किन्नौर जिला के सांगला घाटी में बटसेरी गांव के समीप खरोगला नाले में बाढ़ आने से बटसेरी गांव के ग्रामीणों के सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। खरोगला नाले में बाढ़ के चलते बासपा नदी का जल स्तर काफी बड़ा है, जिस कारण नदी पार सिंचाई विभाग के मजदूर फंस गए। ये मजदूर अस्थायी आशियाना बनाकर कार्यस्थल पर रह रहे थे। रात को इन मजदूरों ने बाढ़ आते ही जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाई। सिंचाई विभाग के क्रेट लगाने में लगे नेपाली मजदूरों को आज कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस पर स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। जनजातीय जिला किन्नौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांगला के समीप खरोगला नाला में बाढ़ से जंगल और बटचेरी गांव के लोगों के सेब के लदे बागों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि किन्नर कैलाश की चोटियों में लगातार बारिश के कारण पहाड़ों से बर्फ पिघलने के साथ अधिक पानी आया, जो नीचे आकर बाढ़ का रूप धारण कर गया। पिछले वर्ष भी इसी क्षेत्र में बाढ़ आने से लोगों के सेब के बगीचे तबाह हुए थे। बटचेरी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात से ही खरोगला नाले में बाढ़ शुरू हुई थी, जो सुबह होते ही बहाव काफी तेज होने से खड्ड का पानी लोगों के बगीचों तक पहुंचा, जिससे खरोगला नाले के आसपास के जंगल से पेड़ पौधे समेत बटसेरी गांव के ग्रामीणों के सेब के बगीचे तबाह हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार समेत मौके पर पहुंची है। तहसीलदार सांगला जयचंद ने बताया कि इस बाढ़ के कारण करीब एक दर्जन लोगों के 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बगीचों को नुकसान पहुंचा है। नुकसानियों का आंकलन अभी जारी है। बटसेरी पंचायत के पूर्व उप प्रधान राकेश लोकटस ने बताया कि बीती रात खराला नाले में बाढ़ आई है, जिससे लोगों के सेब बाग नष्ट हो गए। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को बार बार फ्लड आने से नुकसान पहुंच रहा है। लोगों के लाखों के सेब बाग नष्ट हो रहे हैं। सरकार प्रभावितों को उचित फ्लड को रोकने के लिए सही तरह के चैनलाइजेशन हो। मैं राकेश लोकटेस, पूर्व उपप्रधान ग्राम पंचायत बरसेरी, जो पिछले रात को जो खरोगला नाले में जो फ्लड आया, उससे हमारे बरसेरी के 5 से 7 लोगों का, जो जमींदारों का जो फ्लड से नुकसान हुआ है, पहले तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उन जमींदारों का जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए उनकी भरपाई के लिए समुचित कदम उठाए। और दूसरी बात, इस नाले में हर बार फ्लड आता है, उससे लाखों का संपत्ति की नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि इस नाले को, जिस जो फ्लड आ रहा है उसको देखते हुए इसका प्रॉपर चैनलाइजेशन किया जाए, और लोगों को बार बार जो सेब की फसल होता है उस बगीचों में घुसने से लाखों का नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि सही तरीके से कार्य को किया जाए।